प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं बेल आइकन। उसका आपने खंडन कर दिया और एडीजी साहब जो खंडन कर रहे हैं कि पलायन जैसी कोई भी स्थितियां नहीं है, तो क्या नमो ऐप पर प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी बात जो झूठी बिना किसी तथ्य के किसी व्यक्ति ने पहुंचा दी उसके खिलाफ भी आपको कार्रवाई करेंगे? अभी एप्लीकेशन को देखना पड़ेगा कौन सी है, उसका संज्ञान अभी अगर लिया जा चुका है तो मेरी नॉलेज में नहीं है, अभी उसको देखेंगे और फिर बताएंगे आपको। सर 11 जून को ईडी सर के पास आई है और फिर 13 जून को सर आपके पास आ गया है, देखना पड़ेगा। और फिर सर 13 जून को ही यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं उनको आपने फॉरवर्ड कर दिया ऑनलाइन, उसको देखना पड़ेगा उस बारे में आप। सर क्या मामला हुआ है पूरा, दो पक्षों के को बैठाया गया, बात की गई, क्या तय पाया? देखिए अभी एडीजी महोदय ने ब्रीफ किया है कि जो बात निकल के आई है पलायन से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं आई है, यहाँ कुछ लोग अपनी मर्जी से मकान बेच के कुछ लोग उस एरिया से जा रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो इस तरह की बात आई पुलिस के संज्ञान में आई है। अभी तक लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, इसी के लिए कमेटी बना दी गई है कि अगर कोई इस तरह की बात निकल के आती है, कोई फोर्सफुल कोई और बात निकल के आती है तो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएँ। फिलहाल अभी ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई है, वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको हमारे द्वारा और सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ थाने पर बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई है, फिलहाल अभी सभी ठीक है, ऐसी कोई बात प्रकाश नहीं। सर असली मुद्दा क्या है? सर असली मुद्दा क्या है? सर ये जाम का मुद्दा है, छेड़छाड़ का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है? देखिए कुछ ये वाली बात बताई गई है कि कुछ ट्रैफिक का जो डाइवर्जन हो जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाम लगने की वजह से, ये वाली बात उनके द्वारा कॉलोनी के रेजिडेंट्स के द्वारा बताई गई है कि उसको पुलिस और प्रशासन देख रहा है उन पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर उनका ये भी कहना है कि बहुत तेज स्पीड के साथ लोग निकलते हैं, तो उसके लिए पिकेटिंग पॉइंट भी वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कुछ और बिंदु होंगे वो कमेटी के अंदर निकल के आएंगे, वो बातचीत आपको बताएंगे। सर ये मुद्दा बहुत पहले का है और फिलहाल थाना भी बिल्कुल करीब में है, ऐसे में प्रशासन पे एक अहम सवाल उठता है, तो क्या प्रशासन पहले कार्रवाई नहीं कर रही थी, अब अचानक से बेदार हुई है जब सीएमओ और पीएमओ कार्यालय में ये बात पहुंची है? लगातार देखिए लोग जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो सीओ मजिस्ट्रेट हैं, वो लगातार उनसे बात कर रहे हैं, इस बात को उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है, जो कॉलोनी के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने किया है कि लगातार बातचीत हो रही है और किसी तरह की कोई अगर बात होती है हमारे संज्ञान में लाते हैं, कार्रवाई होती है। ये गेट लगाने का जो मुद्दा है क्या है और क्या होगा? थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं बेल आइकन।